उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में फाइट टाइट हो गया है। कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, तीसरी बार चुनावी मैदान में मनोज तिवारी बीजेपी से। जनता किसको अपना समर्थन दे रही है? मनोज तिवारी जी को दे रही है जी। मनोज तिवारी जी? हाँ जी, बीजेपी। बीजेपी। मनोज तिवारी जीत रहे हैं इस क्षेत्र से? बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। 100% जी। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं चुनना चाह रहे हैं? यहाँ कोई जानता नहीं, पीछे वो कुछ सही भी नहीं थे, तो इसलिए मनोज तिवारी जी को ही सपोर्ट ज्यादा है। कन्हैया को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? बहुत उसको पीछे छवि खराब थी उनकी। क्या छवि खराब थी? वो उल्टे सीधे बयान दिए थे उन्होंने, तो उसकी वजह से मतलब यहाँ की जनता नहीं चाहती। जनता नहीं चाहती? हाँ। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? बीजेपी। बीजेपी चाह रही है। अच्छा, मनोज तिवारी ने 10 सालों में क्या काम किया? नहीं, काफी काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या काम हुआ सर? भाई जैसे पार्क वगैरह है, काफी सुधार करा है। जैसे सुधार करा है? हाँ जी। तो मनोज तिवारी मोदी जी के नाम पर जीतेंगे या मनोज तिवारी अपने काम के बलबूते जीतेंगे? नहीं, मोदी जी के ऊपर तो जीतेंगे, बाकी अपने काम के बल पे भी जीतेंगे। काम के बल पे? हाँ। कन्हैया को नहीं मौका दोगे? मौका नहीं, कन्हैया जी को नहीं। क्यों नाराज है कन्हैया से? पहली बार है, युवा है, नया चेहरा है आपके पास? नहीं, जाना तो मनोज तिवारी के साथ ही। मनोज तिवारी के साथ? किसको चुनेंगे अपने क्षेत्र से? जी, मनोज तिवारी ओनली। मनोज तिवारी, बिल्कुल। क्यों नाराज है? कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा? भैया साफ सी बात है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा इनको। मोदी जी के नाम? बिल्कुल। कन्हैया कुमार को नहीं वोट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करोगे? भैया हमें मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद? बिल्कुल। कन्हैया नया चेहरा है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मोदी जी से मतलब है। मोदी जी से मतलब? बिल्कुल। मनोज तिवारी ने क्या काम किया इस क्षेत्र में? देखिए, एक तो पहली बात, वो हमारे यूपी के हैं, खास बात। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने सड़क और आपका पार्क का रेगुलर, हम सबसे मिलना जुलना सब कुछ उनका रेगुलर है, वो संपर्क में हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। कौन किस पर भारी पड़ेगा इस बार? बिल्कुल बीजेपी भारी पड़ेगी, 100% सब पर। कौन किस पर भारी पड़ेगा सर? बीजेपी भारी पड़ेगी जी, सब पे। बिल्कुल 100%। कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कोई कमेंट्स नहीं देना उनके बारे में, हमें मेन मतलब है मनोज तिवारी जी से और मोदी जी से, बस। मोदी जी से? ओके। सच्चे भक्त हो मोदी जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कट्टर? बिल्कुल पक्के कट्टर। हाँ जी। किसको जिताओगे इस बार? भी नहीं किया ना, कांग्रेस ने किया ना आपने किया। किसको जिताओगे इस बार? देखो पिछली बार भी हमने मोदी जी को वोट दिया था, इस बार किसको दो? इस बार भी मोदी जी को देंगे। माहौल लग रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। जीतेगी सर, और कौन जीते? और किसी में दम ही नहीं है जो जीत जाए, बीजेपी ने ही जीतना है। मनोज तिवारी जी ने कुछ काम किया आपके क्षेत्र में? 10 साल आपने सांसद बना तो कोई नहीं करता जी, काम तो खुद ही करवाना पड़ता है। जब हमें काम होता है तो चक्कर मारने पड़ते हैं सब जगह जाके, एक काम को 10 बार ही करवाना पड़ता है, जब तक चक्कर न मारो कोई काम नहीं होता। लेकिन जीतना तो मोदी जी नहीं है, और कोई नहीं जीतेगा, और किसी में दम भी नहीं जो जीत जाए। वही मनोज तिवारी मोदी जी के नाम पर जीतेंगे या अपने काम पर जीतेंगे? मोदी जी के नाम पर, अपने काम पर तो नहीं जीते, वो कभी आते ही नहीं इधर, कभी क्षेत्र में नहीं आते, बहुत कम आते। तो नया चेहरा तो दिया कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को? कांग्रेस तो 10 साल तक नहीं आएगी, अभी बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस और आम आदमी का गठबंधन है मालूम है आपको? आम आदमी के चांस अभी कम है, लेकिन बीजेपी जीतेगी ज्यादा। बीजेपी जीतेगी? हाँ। के सांसद कौन है अभी? मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी जी है। इस बार क्या लग रहा है? मनोज तिवारी जी ने कुछ काम काज किया आपके क्षेत्र में? 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, नहीं। इस बार मैं आऊंगा आपके पास। इस बार जनता किसको वोट करेगी? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। कन्हैया जी को। कन्हैया कुमार को? हाँ। कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में आए हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा? कन्हैया कुमार जीत जाएंगे एक तरफा। कन्हैया कुमार एक तरफा जीतेंगे? एक तरफा। क्या भाई, मनोज तिवारी ने काम नहीं किया क्या? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी बोल रहे, करोड़ों का काम किया इस क्षेत्र में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो पीछे नाला देखो, नाले के ऊपर, नाले में घुस जाओ, नीचे पानी है और हम तुम घुसेंगे नहीं, कूड़े से नाला पटा पड़ा बहन चोद, समस्या है। हाँ, काम कुछ नहीं होता है। काम कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, पीछे नाला है, देख लो, चेक कर लो, आप चेक कर लो। इस बार मनोज तिवारी नहीं आएंगे? नहीं। टक्कर है? टक्कर बहुत बढ़िया देंगे कन्हैया, कन्हैया जी। कन्हैया जी? हाँ। जीतेगा कौन फिर? कन्हैया जी जीतेंगे। क्या चाचा नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही न्यू सीलमपुर। न्यू सीलमपुर के रहने वाले हैं। आपके सांसद का क्या नाम है? फिलहाल तो मनोज तिवारी जी यहाँ पे। मनोज तिवारी जी, जी। मनोज तिवारी का काम कैसा रहा? 10 साल उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी सांसद आए, इस बार भी तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी से।
10 साल कैसा कामकाज रहा मनोज तिवारी का? हमने आज तक उन्हें देखा भी नहीं, ना कोई काम ना काम ना कोई कुछ भी नहीं है इलाके में। हम जानते भी नहीं उन्हें कौन है, कब आए कब गए, कभी आज तक नहीं, खाली पोस्टरों में देखते हैं हम खाली मनोज तिवारी जी हैं कोई। हाँ यहाँ ना कोई काम हुआ है, ना कोई विकास हुआ, ना कुछ नहीं हुआ यहाँ, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, कोई काम आज तक नहीं हुआ जी। इस बार किसका हवा है, कौन इस बार माहौल में? कन्हैया कुमार जी को प्रत्याशी बनाया गया है, वही जीतेंगे इंशाल्लाह, ऊपर वाले चाहते वही जीतेंगे। आप लोग किसको वोट करेंगे? कन्हैया कुमार को वोट करेंगे हम। कन्हैया कुमार को जी 100% 100% सोच लिया। क्यों नाराज है मनोज तिवारी से? उन्हें कोई काम नहीं करा जी आज तक, उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी यहाँ गुजरे नहीं, समस्या पूछने नहीं आए आज तक, कोई समस्या किसी की पूछी नहीं, कोई समस्या का समाधान तो बाद में होगा जब वो यहाँ आएंगे तभी तो मालूम होगा। कभी हमने उनको कहा था यहाँ देखा ही नहीं उन्हें, कभी इलाके से कभी गुजरे नहीं, कभी जानता नहीं कोई उन्हें, वो हम केवल पोस्टर में तो हम जानते हैं उन्हें कि मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 0 नंबर देंगे जी, हमने कोई नंबर नहीं, 0 नंबर। बीजेपी वाले बोलते हैं कि कन्हैया कुमार तो देश विरोधी नारे लगाता फिरता है, उसको कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया। नहीं ऐसा जो भी है कि फिलहाल हम वोट जो है कन्हैया कुमार को देंगे, इसको भी देख लेते हैं 10 साल इसको झेला, इसको भी मौका दिया जाना चाहिए। हाँ। इसको भी मौका देंगे। अगर ये भी अगर काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा, इनको भी वोट नहीं मिलेगा और क्या जी।